मान लो तुम बहुत ही अरबपति खरबपति हो चुके हो, तो वो तुम्हारी टोटल वर्थ मान लेते हैं कितनी है, 100 करोड़, ये तुम्हारी वर्थ है। अब तुम्हें पता लगा कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, भविष्यवाणी आई, व्हाट्स यू हैव गॉट, यू आर गोइंग इन 10 डेज, तो तुम्हें आत्मा जाग गई, 100 करोड़ रुपया, 10 दिन ही है मेरे पास, 10 दिन में 100 करोड़ रुपया तो खर्च नहीं कर सकता, क्या करूं, दिल मिलावट हो रही है, क्या करूं? तू सच बोलता है। तो तुमने सोचा मैं इसको दान करूंगा, ध्यान से सुनना, तुम्हारी आत्मा जाग गई, बोले 10 दिन बाद मेरे को इस धरती से प्रस्थान करना है, जाना, मैं क्या करूं? तो कहते हो मैं चलो दान करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 100 करोड़ के 100 करोड़ दान कर दोगे, और नहीं पॉसिबल है। तुम क्या करोगे, तुम जब वकील को बुलाओगे तो तुम ऐसा करोगे, 100 करोड़ में से तुम सोचोगे तुम्हारी कोई औलाद है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे, उनके लिए कुछ पैसा रख के जाओगे कि नहीं रख के जाओगे, पूरा तो दान नहीं करोगे। सो औलाद बीवी बच्चों के लिए, मान लो कि तुमने, तुम्हारी औलाद बहुत बिगड़ेल है, इन दैट केस मान लेते हैं अपन 60 करोड़ रुपया तुमने उनको वसीयत में दे दिया ताकि उनकी फ्रीडम बरकरार रहे, तुमने 100 करोड़ के 100 करोड़ दान कर दी तो वो सड़क पे आ जाएंगे, वो पूरा दान करने नहीं देंगे, बोले हमें भी तो कुछ देके जाओ। तो 60 करोड़ रुपया तुमने अपनी बीवी बच्चों के लिए रख दिया फ्रीडम के लिए, और फाइनली क्या बचा, फाइनली जो लास्ट में बच रह गया, दैट इज 40 करोड़। ये 40 करोड़ रुपीज मान लो कि आपने अब दान कर दिया, ठीक है, 40 करोड़ रुपीज अब मान लो कि आपने दान कर दिया। अब जरा चेक करो, एक्चुअली ये 40 करोड़ रुपीज ऐसे हैं जो कि वो यूज करें यूजफुल वर्क के लिए, जो एक्चुअल में आपको अच्छा काम करने में मदद करे, दैट्स इट। बस इसी को आप जरा चेक करना, यही आपके लिए गिब्स एनर्जी है।